तो जैसे मैं बता रहा था कि जब एनर्जी वाफर मिकदार में होती है तो ऑब्वियसली रिकवरी भी तेज़ी से होगी। वो मसल जिसने एनर्जी अपनी यूज़ कर ली होगी ड्यूरिंग द सेट, अगर उसको दोबारा से फ़ौरन से एनर्जी मिलेगी तो रिकवर करेगा। पोस्ट वर्कआउट मील आपने सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एनाबॉलिक विंडो जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी रिकवरी बड़ी फास्ट हो रही होती है। उसमें हमें प्रोटीन और BCAA बहुत हेल्प करता है। BCAA प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ले आप, यस इट्स वेरी गुड कि वो उस वक्त मौजूद हो। प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट ले लें, राइट आफ्टर वर्कआउट। अमीनोज अमेजिंग चीज़ है, 100% काम करती है, रिकवरी तेज़ी से होगी। ओब्वियसली जो नए मसल बनेंगे वो अमीनोज के थ्रू ही बनेंगे, तो अमीनोज का होना ज़रूरी है, ये भी हेल्प करता है आपको रिकवर करने में। अच्छा, इसके अलावा हमारी PEDs हैं, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स, बहुत सारी होती हैं, मैंने 3 मेंशन किए, इससे भी ज़्यादा होती हैं। जो 3 मैंने मेंशन किए उसमें स्टेरॉइड्स हैं, वी ऑल नो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स में मैं कुछ लिख देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि इसमें HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, IGF-1, HCG, मुख्तलिफ और होती हैं, इंसुलिन, इसमें हम जो है वो मेकानो फैक्टर, ठीक है, काफ़ी हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसके अलावा SARMs हैं, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर्स, रिलेटिवली नई ड्रग्स हैं एज कम्पेयर टू स्टेरॉइड्स और पेप्टाइड्स, ये भी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इस तरह से हम अपनी मस्कुलरिटी को इंक्रीज करते हैं, जिसको अगेन हम पार्ट ऑफ कंडीशनिंग समझते हैं, जो कि कॉन्टेस्ट में मद्देनजर रखी जा रही होती है। तो कुछ ये मोटे मोटे रूल्स हैं, इससे हट के भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट ये बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है लोगों के लिए कि वो कैसे मस्कुलरिटी अटेन कर सकते हैं। इसमें एक जनरल गाइडेंस मैं दे दूँ यहाँ पर कि आप जब भी इसको स्टार्ट करें अपने प्रोग्राम को, तो आप हमेशा इनिशियल असेसमेंट अपनी ज़रूर करें कि आपका उस वक्त लीन बॉडी मास क्या है, और फिर पीरियडिकली चेक करते रहें कि वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है विद द टाइम। हर महीने करें, हर हफ्ते करें, लेट जैसे अगर वो 55 kg से आपने स्टार्ट किया है तो उसको इंक्रीज़ करें। आपका गोल होना चाहिए कि एक साल में आप फर्स्ट ईयर में हम बहुत ज़्यादा जो है वो गेन कर सकते हैं मसल मास, अप टू 10 kg तक आप जो है वो अपना लीन बॉडी मास इंक्रीज़ करें और इसको 65 कर दें। तो द ट्रिक इज़ कि कंटिन्यूसली आप ग्रो करते रहें और ग्रोथ पे अपनी नज़र रखें, एमलेसली ना चलें। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका करंट LBM कितना है, लीन बॉडी मास, और फिर आप उसको प्रोग्राम बनाए अपना और प्रोजेक्ट करें कि आप उसको एक अपने स्पेसिफिक साइकिल में, जो कि 4 महीने हो या उससे ज़्यादा का हो या कम हो, तो उसमें कितना इंक्रीज करें। ये हम बात करें मास, मसल मास इंक्रीज करने के लिए, जिसको यूजुअली हम लोग बल्किंग फेज भी कहते हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू है, थैंक यू।